नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यूपी सरकार ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस मामले में सुनवाई हो सकती है। राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है, ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाएं। गौरतलब है कि यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहस चल रही है। इस बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा। चुनाव आयोग घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा को शुरू करने जा रहा है। इसकी मदद से प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने गृह राज्य आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतदाता कहीं से भी वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके लिए आयोग ने एक नई वोटिंग मशीन विकसित की है। ये एक रिमोट पोलिंग बूथ से ही 72 निर्वाचन क्षेत्र का मतदान करा सकती है। ये सुविधा ऐसे मतदाताओं को दी जा रही है जो अपने घर से दूर रहते हैं और उन्हें मतदान देने के लिए अपने गृह प्रदेश जाना पड़ता है। चुनाव आयोग ने इस मशीन के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रित भी किया है। भारत जोड़ो यात्रा से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज 29 दिसंबर को खुद से अलग कर लिया। अब ये और साफ हो गया है कि अखिलेश राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यात्रा में शामिल होने के मौके पर उन्होंने टिप्पणी बहुत सख्त की है जिसके दूरगामी राजनीतिक नतीजे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा से खुद को अलग करते हुए आज गुरुवार 29 दिसंबर को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी की एक अलग विचारधारा है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है जो 3 जनवरी को यूपी में आने वाली है। अखिलेश ने पत्रकारों से कहा, अगर आपके फोन पर निमंत्रण आया हो तो कृपया इसे मुझे भेजें। हमारी संवेदनाएं उनकी यात्रा के साथ हैं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। एनसीपी के मुखिया और भारत की सियासत के दिग्गज नेता शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं है। पवार ने कहा कि देश के लिए कांग्रेस की विचारधारा और उसके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवार ने यह बात पुणे में स्थित कांग्रेस के दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। बता दें, बीजेपी के कई नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह चुके हैं। पवार ने अपने इस बयान से उन्हें जवाब देने की कोशिश की। पवार ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा दिशा निर्देशों के मुताबिक ही की गई और कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो के दिल्ली पहुंचने पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ा है। बता दें, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कई जगहों पर राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक दिखाई दी थी। केसी वेणुगोपाल ने पत्र में लिखा था कि दिल्ली पुलिस उस दौरान बढ़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करने और राहुल गांधी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए रखने में पूरी तरह फेल साबित हुई। कांग्रेस के पत्र के जवाब में सीआरपीएफ की ओर से कहा गया है कि सुरक्षा इंतजाम तभी बेहतर साबित होते हैं जब सुरक्षा हासिल करने वाला शख्स सुरक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करता है। सीआरपीएफ ने कहा है कि कई मौकों पर राहुल गांधी की ओर से सुरक्षा को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है और इस बारे में उन्हें समय समय पर बताया भी गया है। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी हासिल है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के द्वारा गांधी परिवार को ही कांग्रेस का नेता बताने वाले बयान पर बीजेपी ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस वंशवाद पर भरोसा रखती है और लोकतंत्र से उसका कोई लेना देना नहीं, जबकि बीजेपी के एक अन्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के फेस नहीं हैं बल्कि पार्टी के फेस मास्क हैं। बता दें, सलमान खुर्शीद ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि गांधी परिवार हमारा नेता है, राहुल गांधी हमारे नेता हैं और वो रहेंगे। पार्टी को चलाने के लिए एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत थी जो सिर्फ यही काम करे। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि जिस सच को पूरा भारत जानता था उसको कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने जग जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा कि खुर्शीद ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को बेइज्जत किया है और इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का दिखावा और छलावा चल रहा था। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने चाकू रखने वाले उनके बयान को लेकर FIR दर्ज कर ली है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक प्रज्ञा के खिलाफ शिवमोगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष HS सुंदरेश की शिकायत पर कोटे पुलिस थाने में यह FIR दर्ज की गई है।
प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ धर्म के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित कई आरोपों से संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है। बता दें, प्रज्ञा ठाकुर ने 25 दिसंबर को हिंदू जागरण वैदिक नाम के संगठन के कार्यक्रम में यह भड़काऊ बयान दिया था। प्रज्ञा ठाकुर ने कार्यक्रम में कहा था, उनके वहां लव जिहाद की परंपरा है, वो प्यार करते हैं तो इसमें भी जिहाद करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं और एक सन्यासी अपने ईश्वर से प्यार करता है। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा था, अपने घरों में हथियार रखें और अगर कुछ नहीं है तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कर लें। कोई नहीं जानता कि कैसी स्थिति आएगी, हर किसी को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगर कोई हमारे घरों में घुसता है और हम पर हमला करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। भारतीय वायुसेना ने आज ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किया। बंगाल की खाड़ी में SU-30 MKI विमान से लक्ष्य पर सटीक हमला करते हुए मिसाइल ने मिशन उद्देश्यों को हासिल किया। सुखोई विमान से प्रक्षेपण योजना के मुताबिक हुआ और मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में टारगेट पर सीधा हमला किया। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें, ब्रह्मोस एरोस्पेस एक इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों बिहार के गया में हैं, लेकिन इस तरह की खबर आ रही है कि एक चीनी महिला उनकी जासूसी कर रही है। बिहार पुलिस ने इस चीनी महिला का एक स्केच जारी किया है। इसका नाम सोंग शियाओलन बताया गया है और कहा जा रहा है कि ये दलाई लामा को नुकसान पहुंचा सकती है। पुलिस लगातार इस चीनी महिला की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये महिला भारत या बिहार में कहीं भी हो सकती है और उसे दलाई लामा की जासूसी करने के लिए भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि इस बारे में अभी शुरुआती जानकारी ही मिली है और इस जानकारी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर मचे बवाल के बीच अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को सलाह दी है कि वो फिल्म के गानों समेत जो और बदलाव सुझाए गए हैं उन्हें लागू करें, फिर इसको सर्टिफिकेशन के लिए पेश करें। CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा, CBFC अभिव्यक्ति और दर्शकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। रिलीज होने से पहले फिल्मों को जो पड़ाव पार करने होते हैं, पठान उन पड़ावों से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति गौरवशाली है, ऐसा कुछ ना परोसा जाए जिससे इसे ठेस पहुंचे। गाम्बिया के बाद अब उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि एक भारतीय दवा कंपनी द्वारा निर्मित दवाओं का सेवन करने के बाद देश में कम से कम 18 बच्चों की जान चली गई है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मरने वाले बच्चों ने नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित DOC-1 MAX सिरप का सेवन किया था। मंत्रालय ने दावा किया है कि अब तक सांस की गंभीर बीमारी वाले 21 में से 18 बच्चों की मौत DOC-1 MAX सिरप लेने के कारण हुई है। बता दें, कुछ महीने पहले ही गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। गाम्बिया में बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भारत की एक दूसरी फार्मा कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर आगाह किया गया था। भारत में बने कफ सिरप के सेवन से गाम्बिया में कथित तौर पर बच्चों की मौत के बाद अब उज्बेकिस्तान में भारतीय दवा के सेवन से मौत की शिकायत से खलबली मची है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में निर्मित दवा कंपनियां मानकों का ध्यान नहीं रख रही हैं। गाम्बिया के मामले में जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी थी, वहीं उज्बेकिस्तान के मामले में सहयोग का भरोसा दिया है। इधर भारत में भी इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की कथित तौर पर एक भारतीय फर्म द्वारा निर्मित खांसी की दवाई से मौत के मामले में जाँच शुरू की है। WHO ने ANI के एक ईमेल के जवाब में कहा, WHO उज्बेकिस्तान में स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और आगे की जांच में सहायता करने के लिए तैयार है। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौतें 2 महीने के दरमियान हुई और उज्बेकिस्तान के अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से भारत के सामने इस मुद्दे को नहीं उठाया है, लेकिन प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमारे दूतावास ने उज्बेक से संपर्क किया ताकि उनकी जांच से जुड़ी जानकारियां मिल सकें। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि उज्बेकिस्तान के अधिकारियों ने कुछ लोगों के खिलाफ जांच शुरू की है, इनमें कंपनी के वहां के लोकल प्रतिनिधि शामिल हैं। पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी की सांसद कृष्णा कुमारी ने आज 29 दिसंबर को किए गए ट्वीट में आरोप लगाया है कि सिंध प्रांत के एक गांव में 42 साल की भील महिला दया भील के साथ गैंगरेप करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। सांसद कृष्ण कुमारी ने उस गांव में जाकर गांव वाले से मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमारे पास इस खास घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन भारत कहता रहा है
कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित किए जाएं। पाकिस्तान के मीडिया ने भी शर्मनाक घटना की खबर छापी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिंध के संघर जिले में दया भील का उसका सिर और स्तन काटने से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने यहां तक कि उसकी लाश और कटे हुए सिर को गेहूं के खेत में फेंकने से पहले उसके सिर की खाल तक उतरवा दी। भारत में पिछले एक दिन में यानी बुधवार को कोरोना संक्रमण के 268 मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को 188 मामले सामने आए थे। एक दिन में कोरोना के 2,36,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। नए मामलों के साथ ही देश भर में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 3,552 हो गए हैं। देश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 2 मौतें हुई हैं। ये मौतें केरल और महाराष्ट्र से हुई हैं। तमिलनाडु के गांव में दलितों के पीने के पानी के टैंक में मल डालने का मामला सामने आया है। गांव का नाम वेंगई वयाल है और ये पुडुकोट्टई जिले में है। निश्चित रूप से जाति आधार पर नफरत और घृणा का ये घिनौना मामला है। दरअसल वेंगई वयाल गांव के लोगों ने शिकायत की थी कि पिछले कुछ दिनों में गांव में कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि पीने का पानी इसके पीछे एक वजह हो सकती है। इसके बाद कुछ लोग पीने के पानी के टैंक पर चढ़े और अंदर देखा। एनडीटीवी के मुताबिक 10,000 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंक के अंदर से भारी मात्रा में मल मिला। इस वजह से टैंक का पानी पीला हो गया था। यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता मोक्ष गुनावलगन ने एनडीटीवी को बताया कि क्योंकि लोगों को उस बारे में पता नहीं था और इसलिए वो अनजाने में इस टैंक के पानी को पी रहे थे। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पुडुकोट्टई जिले के जिलाधिकारी कविता रामू ने एनडीटीवी को बताया कि अभी तक पानी के टैंक पर चढ़ने और इसमें मल फेंकने के संबंध में किसी को देखे जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बीजेपी ने इस मामले के सामने आने के बाद जांच के लिए इस गांव में एक टीम भेजी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।